मियाँ आसफ अली करतारपुर बाजार चो एक बार फिर तुहाडी खिदमत हाजिर हाँ। तो मेरे नाल इस टाइम मौजूद है एक इत्थे कपल मैं देखिया, तो मैं क्या चलो इन्हों मिला। इन्हों का जेडे कपड़े से इन्हों का लिबास से बड़ा जरा यूनीक जहा सी, खासकर मुंडे ने तो चलो शलवार कमीज ही पाई हुई सी, कुड़ी ने जो देखिया तो मैं क्या चलो इन्होंने जाके पूछा कि ना जी तुहाडा। सना शेख तुहाडा की नाम? अजीम शेख। अजीम शेख नहीं तो ये कार्ड तो थोड़े गल च पीले आए थे तुम इंडिया तो? इंडिया तो हाँ। अच्छा तो मुसलमान हो? यस। नहीं नाम तो मैंने आइडिया हो गया। हाँ अच्छा केड़े इलाके तो आए हो इंडिया? मुंबई। मुंबई तो हाँ। अच्छा वैसे बड़ी खुशी की गल, मैनू पहली बारी इतने आते हुए तो बड़ा अरसा गुजर गया, तुम्हें पता ही है करतारपुर साहब आईदा वा ननकाणा साहब भी जाइना, पर इंडिया तो आई हुई पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिलीज तो मिल जाती हैं बहुत, इंडिया तो आई हुई मुस्लिम फैमिली पहली बारी कोई मिली है। हिंदू फैमिलीज भी कोई ना कोई लभ जाती है एक अदुका नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो सरदारा नहीं आना होंगे वा, पर मुस्लिम फैमिली पहली है जी मैनू मिली। अच्छा ये आने का यहाँ पर कैसे आया? मतलब वीडियोज़ देखा था इंटरनेट पर कि अच्छा बनाया हुआ है जो गुरुद्वारा है सिख लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा था, कुछ 42 एकर्स में यहाँ पे बनाया हुआ है और थोड़ा बहुत मार्केट था, तो मतलब इस बहाने घूम भी लेंगे, पाकिस्तानी कोई चीज़ें खा भी लेंगे, देख लेंगे और गुरुद्वारा भी देख लेंगे जितना खूबसूरत बनाया है यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट ने, तो अच्छा लगा आके यहाँ पे, ऐसा काफ़ी मज़ा आया। अच्छा तो उत्थों आन का किवें किया तुसी, उत्थों तुरे इत्थे तक आए कि इन्ना लम्मा जिहड़ा ट्रैवल सी? ट्रैवल कैसे हुआ सर? ट्रैवल ट्रेन से किया, मुंबई से स्टार्ट किया था लगभग, फिर अमृतसर, और फिर अमृतसर से मॉर्निंग में सुबह में हम लोग लगभग 6 बजे वहाँ से निकले थे, 6 या 7 बजे, और क्योंकि जल्दी आना था टाइमिंग, यहाँ से 4 बजे का होता है रिटर्न का, तो बोले थोड़ा टाइम मिल जाना चाहिए, तो वहाँ से फिर बस अब वापस फिर ट्रेन से ही जाएंगे मुंबई। अच्छा तो वहाँ से ट्रेन में कितना टाइम लगा था आपको मुंबई से? 28 घंटे। अच्छा जो गोल्डन टेम्पल है जो अमृतसर आती है खास। अच्छा हाँ। अच्छा वहाँ से आके अमृतसर गोल्डन टेम्पल, अभी होटल में रुके, अब यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी जाएंगे गोल्डन टेम्पल में भी। अच्छा बड़ी बड़ा खूबसूरत सफ़र है आपका, और बड़ा यानी कि इसका मतलब है आपका तो 4-5 रोज़ का ये बन गया ना? नहीं 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं ना, क्यों ज़्यादा छुट्टी नहीं ना, संडे को फिर वापस जाना है, काम शुरू करना है। अच्छा। तो करते क्या हैं वहाँ पे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा हाँ तो आप बताएं जी, आप कभी पहले था मन में कि कभी आना होगा यहाँ? जी वैसे तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हूँ, तो पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का दिल तो था, बट वीज़ा का इश्यूज बहुत होते हैं ना, तो उससे तो पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। जी चलें ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर है वीज़ा का तो मसला होता ही है, इतने आके देखो बड़े खुश भी आओ कि चलो उदा नहीं आ होया, वीज़ा नहीं सी लग सकता तो इधर आ गया। तो पाकिस्तानी ड्रामे की गल की, कौन कौन से पाकिस्तानी ड्रामे? बहुत सारे देखती हूँ, मेरी फेवरेट हीरा मानी जी है। अच्छा। जी बहुत पसंद करती हूँ मैं उन्हें। अच्छा। और बहुत सारे देखती हूँ मैं, जो भी ट्रेंडिंग होते हैं सारे। हीरा मानी था लास्ट टाइम कशिफ बड़ा एक। जी जी और अभी लास्ट टाइम जो ख़त्म हुआ है मैं हारी पिया, वो देखती हूँ मैं। यानी कि पाकिस्तानी ड्रामे जो आज तक आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा लगा? कशिफ। अच्छा कशिफ सबसे अच्छा। जी कशिफ ड्रामा मैं आप भी देखा सीगा और अच्छा ड्रामा लग्या सी मैनू, और एवें दी चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने, क्योंकि एक हुंदियां फर्जी स्टोरियां सारा फिक्शन ही फिक्शन, पर जदों कोई माशरे दे हकीकी किरदार जदों लै के उन्होंने फिल्माया जाता तो जाहिर सारियां नू अपील करदे।